क्वेश्चन नंबर फोर देख रहे हैं और बुक में देखिएगा क्या कि क्वेश्चन नंबर फोर से नाइन तक सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन है तो करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू को फाइंड करना है। फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है ये हम लोग को पता चल चुका है, तो के का वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे पास ये दे दिया गया है, क्वेश्चन ये दे दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास हम लोग लिखेंगे गिवेन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, गिवेन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, उसके बाद ये और ये लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखना है गिवेन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, ये उसके बाद ये लिखिएगा, उसके बाद ये लिख दीजिएगा, ठीक है। वेयर 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 क्या लिखना है, वेयर क्या लिखना है उसके बाद वेयर, ठीक है। ए वन कितना है, ए वन है टू, और बी वन कितना है, बी वन है थ्री, और सी वन कितना है, सी वन है माइनस फाइव, ठीक है। उसी टाइप से ए टू कितना दिख रहा है, के है, ठीक है। बी टू कितना दिख रहा है, माइनस सिक्स है, और सी टू कितना दिख रहा है, माइनस एट है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यूनिक सॉल्यूशन दे दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेगा कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा एज वी नो, एज वी नो, ठीक है, कंडीशन फॉर यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है मेरे पास, ए वन डिवाइडेड बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन डिवाइडेड बाई बी टू, ये होता है कंडीशन। अब बस वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ए वन कितना है मेरे पास, टू है, तो टू लिख दीजिए, ए टू कितना है मेरे पास, ए टू है के, तो यहाँ पे के लिख दीजिए, नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू का साइन, बी वन कितना है मेरे पास, थ्री है, तो थ्री लिख दीजिए, ठीक है। बी टू कितना है मेरे पास, माइनस सिक्स है, तो माइनस सिक्स कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, टू बाई के इक्वल टू वन बाई नॉट इक्वल टू कितना, वन बाई कितना, माइनस टू, ठीक है। ऐसा अब के की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, के को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है तो नॉट इक्वल टू का साइन दे दीजिए। टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, के इक्वल टू माइनस फोर छोड़ के, मतलब के इक्वल टू कुछ भी हो जाए उसके लिए ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, बट अगर के इक्वल टू माइनस फोर हो जाए तो वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो के नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, माइनस फोर, मतलब माइनस फोर को छोड़ के कुछ भी वैल्यू हो सकता है के का, बट के माइनस फोर नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अगर माइनस फोर हो गया तो वो कंडीशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि के नॉट इक्वल टू माइनस फोर का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए